अगर तुम्हारा व्यवसाय पहले की तरह अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो मेरे शब्दों को याद रखना, पहले से ज़्यादा अच्छा चलेगा। इस वक्त जो बुरा हुआ है वो बेहतर के लिए ही हुआ है, सुधर जाने दो, सब सही हो जाएगा। जब मैं बरकत देना चाह रहा हूँ ना, तो तुम इसे रोकना मत। कभी कभी निराशाएं आती है और उससे हार कर अपने मन से पीछे हटकर कुछ नया शुरू कर देना, ये नहीं होता। मैं ये जानता हूँ कि पहले तुमने जब जब कोशिश की है ना, तो या तो किसी ने तुम्हें गिरा दिया है, पीछे धकेल दिया है, धोखा दे दिया है, या फिर तुम खुद ही बीमार पड़ गए, और शायद इस कारण अब तुम कोशिश करने से डरते हो। पर एक बात जानते हो, अगर मैं हर दिन तुमसे कहता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे पास, चिंता मत करो, तो इसका मतलब है कि यदि तुमने मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल दिए ना, तो वो पल दूर नहीं है जब तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि मैं उस रास्ते को साफ रख सकता हूँ, वो रास्ता छोटा कर सकता हूँ, समय कम लग सकता है, लेकिन कम से कम चलने के लिए पहला कदम तो तुम्हें ही लेना होगा। और तुम जिस समस्या का समाधान आज खोज रहे हो ना, जिसके लिए बहुत परेशान हो, 5 साल, सिर्फ 5 साल बीत जाने दो, उसके बाद इन बातों का कोई मायने ही नहीं होगा। इतने सुंदर तरीके से जिंदगी इतनी आगे बढ़ चुकी होगी, तब तुम बैठकर इन पलों को याद कर रहे होंगे, जब तुम मेरे पास बैठकर रोया करते थे, शिकायतें किया करते थे, और फिर सब ठीक हो गया। खैर, मेरे समझाने से तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, अब इंतज़ार करो, जो मेरी लीला हो रही है उसका इंतज़ार करो, लेकिन अपने कर्म करो। यदि तुम मन नहीं लगाना चाहोगे, यदि तुम दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े रोते रहना चाहोगे, तो मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम उठो, मेरी लीलाओं को सुनो, और वापस से जहाँ जिंदगी को छोड़ा था वहाँ से शुरू करो, और इस बार अपने लिए शुरू करो। आराम आराम से सारे काम करते जाना, जरा भी अपने आप को भार मत देना, क्योंकि तुम्हारा तय तिथि से पहले ही सब हो जाएगा। बस ये है कि अपने आप को ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा पीड़ा, ज़्यादा चिंता मत देना। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि दुनिया में एक शिरडी है जहाँ आने के लिए तुम्हारा मन हमेशा उत्साहित रहता है। एक दिन में ना जाने कितनी बार तुम शिरडी को, शिरडी की सड़कों को, उस समय को याद करते हो जब तुम यहाँ थे, और दूसरे अन्य किसी स्थल पर कभी नहीं जाने की इच्छा रखने वाले मेरे प्यारे बच्चे तुम। तुम्हें ना मैं शिरडी में एक घर भी दिलवाऊंगा, तुम यहाँ रहना, तुम्हें शिरडी के सारे सुख सब मिलेंगे तुम्हें। लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मेरी बनाई हुई बाकी दुनिया भी देखो, और इसलिए कभी कभी तुम्हें कहीं और भी भेजता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, यदि मैं तुम्हारा गुरु हो ना, तो फिर जिस ईश्वर की तुमने इतनी प्रार्थना की है, इतनी पूजा की है, उस स्थान पर भी उतने ही उत्साह और उमंग से जाओ जितना कि तुम शिरडी आते थे। तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, और तुम जो करना चाहते थे इस साल तुम उसे कर पाओगे। जब तीर्थ स्थल पर जाओगे ना, तो अपने काम को शुरू करने का आशीर्वाद लेकर आना। साड़ी सिर्फ उस एक स्त्री को देना जिसने तुम्हारी बहुत सेवा की है और जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।